सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मेदिनीनगर नगर पालिका क्षेत्र को परिसर से निगम का दर्जा देने में शहर से सटे कई उपनगरीय क्षेत्रों को निगम क्षेत्र में शामिल किया गया था, परंतु आज लगभग डेढ़ वर्ष निगम चुनाव को हुए बीत गए, लेकिन अब तक शहर की निर्वाचित नई सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाएं नहीं पहुंचा सकी है। रेड़मा, बारालौटा, सिंगरा, शाहपुर और बैरिया क्षेत्रों में हालत यह है कि मूलभूत सुविधाएं यथा पानी, बिजली, सड़क और आवास नागरिकों को मैसर नहीं हो सका है। सिटी न्यूज की कैमरा टीम ने शुक्रवार यानी 2 अगस्त को नगर निगम क्षेत्र की वार्ड नंबर 17 रेड़मा क्षेत्र का मुआयना किया तो वार्ड की वर्तमान हालत हकीकत बयां कर रही थी। वार्ड में रहने वाले गरीबों को आवास की सुविधा नहीं मिल सका है। खपरेल मकान की छत पर प्लास्टिक सीट डालकर लोग वर्षा काल जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से गुजारते हुए देखे गए। वार्ड की सड़कों पर पैदल तो क्या, वाहनों से गुजरने पर भी दुर्घटना का शिकार होने की आशंका लोगों में घर कर गई है। वार्ड 17 की बदहाल सड़कें अंधेरी रात में और डरावनी सी मालूम पड़ती है। स्ट्रीट लाइट की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। वार्ड भ्रमण करते हुए हमारी टीम रांची रोड से लगभग 300 मीटर की दूरी पर अवस्थित समदा आहर पहुंची तो देखकर हक्का बक्का रह गई। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में भू जल स्तर बनाए रखने में सबसे उपयोगी इस आहर पर अतिक्रमणकारियों की बुरी दृष्टि पड़ गई है। अतिक्रमण की मार से समदा आहर का रकबा दिन प्रतिदिन सिमटता जा रहा है। कैमरा टीम ने देखा और महसूस भी किया कि अपने अस्तित्व बनाए रखने में जद्दोजहद कर रही समदा आहर को यदि शीघ्रतापूर्वक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया तो वह दिन भी दूर नहीं जब सालों भर जिंदा रहने वाला यह आहर अपनी पहचान भी खो दे। संजोग से वार्ड नंबर 17 के पार्षद सुमित कुमार तिवारी से भी मौके पर मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ के वासियों ने अपना कीमती वोट देकर बड़ी आशा और अपेक्षा से उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन हकीकत यह है कि चेयरपर्सन की कार्यशैली से वार्ड में इज्जत बचाना भी मुश्किल हो गया है। कहा, मेयर, डिप्टी मेयर, कार्यपालक पदाधिकारी का 2-3 बार यहां दौरा हो चुका है। यदि सिर्फ समदा आहर की ही बात करें तो आहर का अब तक न तो गहरीकरण और सुंदरीकरण ही हो सका है और न ही इसे अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में किसी प्रकार की पहल ही की गई है। श्री तिवारी ने कहा कि शहर में नई सरकार के 1.5 वर्ष गुजर गए। इस दौरान वार्ड विकास को लेकर कई बार निगम से पत्राचार किया गया, बावजूद समदा आहर सहित वार्ड में तमाम विकासात्मक कार्यों के लिए किसी तरह का उपाय नहीं किए गए। कहा, कितने दिन तक वार्ड वासियों को वे आश्वासनों की घुट्टी पिलाते रहेंगे। कहा, अभी तो मात्र नई माँ बीबी ने इस्तीफा दिया है, आगे भी यदि निगम का यही व्यवहार रहा तो वे भी इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। अब उपेक्षापूर्ण व्यवहार का दंश सहन नहीं होता। उन्होंने चेयरपर्सन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि साफ सफाई, नाली, सड़क निर्माण व पानी, बिजली और आवास सुविधा देने पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो वे भी आने वाले समय में इस्तीफा देने को विवश हो जाएंगे। कि जब से हम निर्वाचित हुए हैं एज ए वार्ड पार्षद, इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, यही कहेंगे। बहुत उम्मीद के साथ हम भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारे जो भी चेयरपर्सन हैं वो नहीं पता उनकी क्या सोच है, क्या कार्यशैली है, कैसे काम करेंगे, कैसे विकास करेंगे। आज 1.5 साल होने को है, अभी तक तो समझ में नहीं आया है। मजबूर होके हमारे एक वार्ड पार्षद नईमा बीबी जी इस्तीफा भी दे चुकी हैं। अगर यही स्थिति रहा तो धीरे धीरे हम लोग सारे लोग मजबूर हो जाएंगे इस्तीफा के ओर बढ़ने के लिए। 1.5 साल होने को है, देखिए अभी तक ना तो बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो पाई है, ना ही रोड, ना ही नाली, ना ही कोई स्ट्रीट लाइट, ना ही बढ़िया साफ सफाई। आप सामने खड़ा होकर देखिए, जबकि इस जगह पे तमाम निगम के जितने भी आले अधिकारी हैं, चेयरपर्सन हैं, स्वयं मेयर, डिप्टी मेयर, कार्यपालक पदाधिकारी, बड़ा बाबू, सारे लोग आके यहाँ पे निरीक्षण करके जा चुके हैं 2-3 बार, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस निरीक्षण करने के बाद ना ही इस रोड की समस्या निकली, ना ही ये देखिए हमारे वार्ड का जो आप तालाब के पास हम लोग खड़े हैं, ये बहुत बड़ा जल स्रोत है, इसे हमारे वार्ड तमाम वार्ड में जल स्तर बनाए रखने का ही समझिए कि इकलौता यही एकमात्र साधन है।
50 बार लिख के देने के बावजूद भी इसमें न तो अभी तक कोई साफ सफाई कराया गया, ना ही गहरीकरण सौंदर्यीकरण का। मैंने बहुत बार लिख के दिया है, यहाँ तक कि अतिक्रमण रोकने के लिए हमने लिखित रूप में आवेदन दिया है, लेकिन सामने में देखिए रोज आए दिन अतिक्रमण होते ही जा रहा है, किसी को कोई सुध नहीं है। जनता के नज़र में दोस्वार हम वार्ड पार्षद होते हैं, जो छोटे जगह के प्रतिनिधि होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जनता के पास सिर्फ एक बहाना ही करते आए हैं, और इन लोगों के हिसाब से और बहाना ही करना पड़ेगा, कुछ काम धरातल पे हो नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा अगर काम के विषय में आप कहिएगा तो जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है, ना तो हमारे वार्ड में अभी तक एक भी आवास सैंक्शन हुआ है, किसी भी गरीब जनता को अभी तक ना तो एक आवास मुहैया कराया गया है, ना ही कोई शौचालय मुहैया कराया गया है, ना ही अभी तक बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है, ना ही हमारे यहाँ रोड नली गली किसी भी तरह का विकास कार्य जो होता है स्ट्रीट लाइट से लेकर साफ सफाई तक कुछ भी नहीं हुआ है। मजबूरन हमें भी अब यही लगता है कि हम किसी कड़े निर्णय पर निकले, हो सकता है बहुत जल्द हम किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे अगर सफाई नहीं हुआ तो। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, नहीं हो रहा है, किसको आप जिम्मेवार सोचते हैं? इसका जिम्मेवार पूरा सिस्टम है, हमारा सिस्टम जो नगर निगम का है वो पूर्ण रूप से एकदम समझिए कि हाथ पैर पसार के बैठा हुआ है, लापरवाह है, उसको किसी भी स्थिति में ना तो मोह है, ना तो माया है, ना तो कोई शुभ है। अच्छा, तो अब क्या निर्णय लेने वाले हैं आप? अगर बहुत जल्दी इसमें विकास कार्य शुरू नहीं किया जाएगा तो मैं वार्ड पार्षद सह जोन अध्यक्ष भी हूँ, मैं अपने जोन के तमाम जितने भी वार्ड पार्षद हैं सबके साथ मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि नगर निगम में तालाबंदी का कार्यक्रम कर दूं जनता के साथ, नहीं तो हम लोग सारे लोग इस्तीफा के तरफ आगे बढ़ेंगे। आ गया है। बताइए फॉर्म भरा गया आपका आवास के लिए? हाँ। कब फॉर्म भरा? कॉलोनी के लिए ना। हाँ, कॉलोनी के लिए। हाँ, भरा गया। कब भरे हैं? वो तो मांगे घर एक बार भरे थे मेयर भीरा। हाँ, फिर भी वार्ड लिए तो फिर भरा गया है। अच्छा, दिन पहले आप भरे हैं? माघ पुष में भर ले इसी वर्ष 2019 में। हाँ। तो फॉर्म भरे तो अभी तक आपको नहीं मिला आवास? ना, कारण से नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? कुंवर। हाँ, मौसमात। कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं आप? हम 66 से हैं। 66 से हैं। हाँ, पहले जंगल था।